अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों व्हाट्सएप की एक नई फीचर आई है हाल ही में, यानी एक नई अपडेट आई है जिसकी वजह से आप किसी की प्रोफाइल फ़ोटो से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। बाज़ औक़ात दोस्तों जब हमें किसी की डीपी पसंद आ जाती थी तो हम उससे स्क्रीनशॉट लेकर अपनी डीपी पर लगा देते थे या किसी और मकसद के लिए हम उससे स्क्रीनशॉट ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया गया है। तो चलो दोस्तों मैं लाइव वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप किसी की प्रोफाइल फ़ोटो से स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ में दोस्तों मैं आपको एक दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को भी इस ट्रिक के बारे में पता नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव बताते हैं। तो दोस्तों हमने अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें दोस्तों इसमें हमें एक डीपी पसंद आ जाती है, फ़र्ज़ करें ये वाली डीपी मुझे पसंद आ गई और इससे अब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे जूम कर लिया, अब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर से स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं होगा जो कि पहले होता था। ये देखें दोस्तों आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है कुड नॉट कैप्चर स्क्रीनशॉट, यानी अब स्क्रीनशॉट जो है ना व्हाट्सएप अपडेट होने के बाद अब स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं होती, जो कि ये व्हाट्सएप ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप जो ना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो दूसरी ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे अभी मुझे इससे स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं इसे जूम नहीं करूँगा, मैं इसे इतना ही रखूँगा और इसे देखे ये स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो दोस्तों ये देखे मैंने इससे स्क्रीनशॉट ले ली और स्क्रीनशॉट जो है ना कैप्चर हो गई। तो इस तरीके से आप जो ना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं किसी की भी प्रोफाइल फ़ोटो से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।